हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ए वेसल रिवॉल्व्स इन ए सर्किल विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड यूजिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द वेसल इज 385 हर्ट्ज, देन व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ट बाय द ऑब्जर्वर विच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एपरेंट फ्रीक्वेंसी कि कोई ऑब्जर्वर को सुनाई देता है जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होता है, और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का इक्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये प्लस माइनस कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विसिल है जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। तो पहले मैं कंडीशन बना ले रहा हूँ, ये सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में जो एक विसल रोटेट कर रहा है, कोई भी ऐसा साउंड प्रोड्यूस करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है, और जो एक स्ट्रिंग के सहारे रोटेट कर रहा है, और स्ट्रिंग का लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो ये विसल ले लो, यहाँ पे कोई विसल है जो रोटेट कर रहा है इस पाथ पे, ये ऐसे 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 घूम रही है, और एक ऑब्जर्वर है जो कहीं दूर खड़ा है। सपोज ये ऑब्जर्वर कहीं दूर खड़ा है, तो पूछा जा रहा है ये ऑब्जर्वर जो है मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी ये सुनेगा, व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो देखो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब सुना जाता है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी तब सुना जाएगा जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है। तो अगर ये सपोज क्लॉक वाइज आप इसे घुमा रहे हो, सपोज ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो पार्टिकल एक टाइम यहाँ होगा ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते, तो ये ऑब्जर्वर से दूर कब जा रहा होगा, मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तब ये क्या होगा, अगर ये पार्टिकल या ये जो विसिल है ये यहाँ पहुँच जाए और इधर वेलोसिटी से जाने लगे, तो ये क्या होगा, तो ये जो पर्सन है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो यहाँ वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ओमेगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकेंड, आर का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.5, तो वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पर है, तो अब हम लोग डॉपलर इफेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो एबरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, क्वेश्चन में 385 दिया हुआ है। अब सी जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो ये क्वेश्चन में 340 दिया हुआ था, ये आप रख लो। अब प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर है, तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये नीचे फिर से 340। अब नीचे वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो देखो ये जो है ये दूर जा रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में आप बड़ा वैल्यू को रखोगे तो वैल्यू घट जाएगा, तो यानी ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 340 प्लस 10, क्योंकि 10 आया है, जो विसिल है उसका वेलोसिटी जो है दूर जाते हुए में गवाया 10 आया है, तो बस इसे सॉल्व कर लो, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपका फाइंड हो जाएगा। तो ये 385 है, ऊपर में 340 डिवाइडेड बाई 350, यहाँ से 0 टू 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 385 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 35, यानी 385 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम आएगा, और ज़्यादा कम नहीं आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट ये आप देखोगे ना, तो मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेट ये 374 हर्ट्ज आ जाएगा, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो, क्योंकि ये तो वैल्यू 385 उतना ही है, ये थोड़ा सा कम, तो स्लाइटली कम आ गया, क्योंकि ऊपर 34 नीचे 35 है, तो अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, थैंक यू।